मात्र 20 रुपये में बन के तैयार होने वाला मिठाई है, आपको पूरे YouTube चैनल पर नहीं मिलने वाला। तो आइए शुरू करते हैं और एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल ट्रिक वाली, मैं बनाने जा रही हूँ मिठाई यानी स्वीट्स, और वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ से, वो है रोटी से। तो आइए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। पहले आप देख लीजिए कितना जूसी और कितना यमी लग रहा है, और ये वाकई में देखने में जितना अच्छा लग रहा है खाने में भी उतना ही ज़्यादा टेस्टी है। अंदर से इतना सॉफ्ट है और ऊपर से पूरा चॉकलेट से भरा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं देर ना करते हुए। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है रोटी, और रोटी मेरे पास दो थे। ऑब्वियसली सबके घर में कभी कभी रोटी बच जाते, तो मैंने ये दोपहर में रोटी बनाई थी तो शाम बच गया था, तो मैंने शाम को मैंने सोचा चलो तो यहाँ पे बना लेते। तल दिया है तो मैंने यहाँ पे तेल में सबसे पहले तो इसको तलना स्टार्ट कर दिया। पूरा मैंने इसको तला है, मैंने इसको तल दिया पूरी तरह से, जैसे हम कोई पूरी सेकते हैं। तो इसी तरीके से इसको हम सूजी लिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा जो एक आता है बारीक वाला सूजी वो नहीं, ये थोड़ा सा मोटा वाला है सूजी, तो मैंने वो वाला लिया हुआ है। तो मैंने पूरा प्रॉपर एक कप नहीं लिया, आधा कप ही लिया हुआ है। और ये जो है इसको मैं अब हम तोड़ लेंगे, और ये आराम से टूट जाएगा, और इसको इस तरीके से तोड़ देंगे, और इसको हम मिक्सी जार में डालने के बाद इसको हम एक फाइन पेस्ट नहीं बनाएंगे, दरदरा पीसेंगे। बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा ही पीसना है हमें इसे, और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। बस आपके पास प्रॉपर सामान रेडी होना चाहिए आगे पीछे, नहीं तो थोड़ा सा झंझट हो जाता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब मैं इसको पीसने के लिए जा रही हूँ, और मैंने इसको पीस लिया है। अब बिल्कुल ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, हल्का दरदरा रखना है। तो ये पीस के रेडी हो गया है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से पीसेंगे हम, ये देखिए बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं है, बिल्कुल मीडियम साइज़ में। तो हमें इसी तरीके से अपने सारे पूड़ी और सारे रोटियों को जो है तल लेना है, और सॉरी पीस लेना है। तो मैंने इसको यहाँ पर एक प्लेट में निकाल दिया है, और प्लेट में निकालने के बाद आगे का प्रोसेस बताएंगे क्या करना है। तो इसी मिक्सी के जार में हम डालेंगे ओरियो बिस्किट, ये है ना बड़ी मज़ेदार चीज़ है। तो मैंने यहाँ पे ओरियो बिस्किट लिया हुआ है, ओरियो बिस्किट को हम ऐसे ही साबुत डाल देंगे, और इसको भी ये आराम से पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको मैं पहले पीस लेती हूँ। तो ये भी कुछ इस तरीके से अच्छा सा पेस्ट बन के रेडी हो गया है, और मैं इसमें अब थोड़ा सा दूध डाल रही हूँ, और दूध डालने के बाद में इसको फिर से एक बार ग्राइंड कर लेंगे। अब इसको रख देंगे एक साइड पे, इसका बाद में हम बताएंगे क्या करना है। और तब तक अब हम चलते हैं गैस के पास में। तो मैंने यहाँ पे गैस पे घी डाला हुआ है, घी हम 3 से 4 बड़े चम्मच हम घी का इस्तेमाल करेंगे इस पे। और घी को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, जब ये अच्छे से जो ये पिघल जाए तब उसमें हमें सूजी डालना है। घी को ज़्यादा अगर हम जला देंगे तो स्मेल आएगी, और घी की खुशबू भी नहीं आएगी। तो ये देखिए कितना ज़्यादा मैंने डाला हुआ है, जो मैंने आधा कप सूजी लिया हुआ था, तो इसको हम डाल देंगे और इसको अच्छे से भुनेंगे बिल्कुल ब्राउन होने तक। ये देखिए ये भुन रहा है और ये ब्राउन हो गया लगभग, और गैस को कर देंगे बहुत ही ज़्यादा स्लो, और उसके बाद में हम डालेंगे इसमें हमारी रोटी जिसको हमने पीस के रख लिया था। अब इसको भी हम इसी के साथ में पकाएंगे, और ये हम तब तक पकाएंगे जब तक दोनों की इक्वल कलर ना हो जाए, यानी दोनों की ब्राउन कलर ना हो जाए। और जो मैंने यहाँ पे दूध बिठाया हुआ है तो उसमें मैंने नींबू का रस लिया हुआ है एक, और उसमें मैंने थोड़ा सा कलर डाला हुआ है, थोड़ा सा कलर डाला हुआ है, क्योंकि मुझे ये जो चॉकलेट वाला हमने जो बनाया है स्वीट, इसको हमें थोड़ा सा फ्लेवर कलर देना है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कलर का इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आपको नहीं करना है तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा सा दूध को फाड़ना भी है, बहुत ज़्यादा नहीं फाड़ना है, बस इस तरीके से जब इसमें थोड़ा सा दानेदार आ जाए तो बस उसमें हमें ये अब दोबारा नहीं डालना है। तो ये रेडी हो गया है, और मैंने कर दिया है गैस को बंद।
ध्यान रखिएगा इस टाइप इस प्रोसेस को बहुत जल्दी जल्दी करना होता है, क्योंकि सूजी भी गर्म है और दूध भी गर्म है, हर चीज़ को हमें पूरा अपने पास में ही रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो ये जल भी सकता है, जल जाएगा तो फिर मज़ा नहीं आ जाएगा। फिर धीरे धीरे हम ये दूध को इसमें डाल देंगे। तो देखिए दूध भी कितना अच्छा दानेदार होकर रेडी हुआ है। अब इसको हम करेंगे अच्छे से चलाएँगे, अच्छे से बिल्कुल, और जैसा हमें चाहिए था इसका टेक्स्चर बिल्कुल वैसा ही इसका टेक्स्चर बन के रेडी हुआ है। और गैस को मैंने बहुत ही ज़्यादा स्लो पर रखा हुआ है और इसको हम खूब देर तक चलाएंगे, चलाते रहेंगे। और मैंने यहाँ पे जो चॉकलेट यानी कि ओरियो बिस्किट का पेस्ट बना के प्यूरे बना के रेडी किया था वो हम डाल देंगे इसके साथ साथ ही, क्योंकि हमें इसका जो फ्लेवर है और इसका टेस्ट है वो भी हमें चॉकलेटी चाहिए। तो उसके बाद में ये हम मिक्स करेंगे तो अब इसमें आ जाएगा पूरा प्रॉपर कलर भी आ जाएगा, टेस्ट भी आ जाएगा। लग रहा है ना बड़ा इंटरेस्टिंग? आपने ये पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना हुआ है। अगर बना के देखेंगे खाएंगे तभी तो समझ में आएगा कि कैसा बना है। तो उसके बाद में अब इसमें हम धीरे धीरे करके घी डालेंगे। 2 से 3 चम्मच का मैं घी का इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर हम जितना हम अच्छे से घी डालेंगे ये उतना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। अब इसको हम अच्छे से चलाएंगे धीमी आंच में, इसको चलाते रहेंगे क्योंकि हमें इससे ज़्यादा कलर इसमें नहीं चाहिए। ध्यान रखिएगा नीचे से ना जले, क्योंकि ये स्टेज पर बिल्कुल ये जलने का समय है। तो अब गैस को कर दीजिए बंद, और गैस को मैंने बिल्कुल से बंद कर दिया है, और क्योंकि इसके आगे पीछे का जो घी था इसने छोड़ दिया है तो इसका मतलब हमारा ये अब रेडी हो गया है। अब हम डालेंगे इसमें चीनी, क्योंकि आप लोगों ने नोटिस भी किया होगा स्वीट्स बन रहा है तो आपने चीनी क्यों नहीं डाला। तो चीनी हम लास्ट में डालने का रीज़न ये है क्योंकि हम दरदरा बना रहे हैं और कोई भी स्वीट चीज़ें बनाते हैं हम तो लास्ट में चीनी डालते हैं तभी उसका टेस्ट उभर के आता है, ये चीज़ आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल रेडी हो गया और गैस को भी मैंने कर दिया बिल्कुल से बंद। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको चलाएंगे ऐसे ही, इसी तरीके से चलाते रहेंगे, पूरा इकट्ठे आपस में मिक्स हो जाएगा और जो थोड़ा थोड़ा चीनी है वो भी अच्छे से डिजोल्व करके वो अपना पानी छोड़ देगा। ये आप देखिए कितना अच्छा जूसी बन के रेडी हुआ है, देखने में लग रहा है इतना यमी है। तो मैंने यहाँ पे एक केक का टिन लिया हुआ है और उसके बाद मैंने इसको घी से अच्छे से ग्रीस कर दिया है ताकि हमें ये निकालते समय दिक्कत ना आ जाए। और अच्छे से ग्रीस करने के बाद में फिर हम आगे का प्रोसेस बताएंगे क्या करना है। बिल्कुल भी कंजूसी मत कीजिएगा, घी अच्छे से लगाइएगा और उसके बाद में हम ये अपना सारा इसमें डाल देंगे और इसको अच्छे से सेट कर देंगे। इसको अच्छे से अब सेट कर लेंगे। बहुत अच्छे से मैंने सेट कर दिया है। इसको सेट करने के बाद में ये है मेरे पास चॉकलेटी आलमंड्स का स्प्रेड है, तो ये स्प्रेड को हम अच्छे से इसमें लगा देंगे। ये आप चाहे तो इसको स्किप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसमें डालिए, लेकिन हम इसमें चॉकलेट फ्लेवर डाल रहे हैं तो इसीलिए मैंने इसका यूज़ किया हुआ। तो इसको हम ऊपर से अच्छे से इसको भी गार्निश के लिए इसको अच्छे से फैला देंगे, इसको भी सेट कर देंगे हम। अब ऊपर से इसको गार्निश के लिए हम नारियल का बुरादा डाल देंगे। नारियल का बुरादा डालने से थोड़ा सा खाने में अच्छा भी लगेगा और साथ ही साथ देखने में भी अच्छा। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो गया है। अब मैं इसको करूँगी फ्रिज सेट। तो ये देखिए सेट भी हो चुका है। सेट होने के बाद में मैंने इसको निकाला है और चाकू की मदद से पहले से हम इसका कॉर्नर पहले हटा देंगे ताकि ये निकालते समय चिपके ना बिल्कुल भी। और ये बहुत अच्छे से सेट हो चुका है, ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी तो ये अभी प्लेटिंग होगी इसकी तभी ये पूरे अच्छे तरीके से दिखेगा। मेरा थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा सा ध्यान से वो करिएगा। तो देखिए अब हम इसको अपना शेप देंगे। शेप अपनी मर्जी है, आप जैसा मर्जी इसको काटिए, स्क्वायर ट्रायंगल जैसा आपको ठीक लगे। तो मुझे स्क्वायर में ही थोड़ा सा कम्फर्टेबल लगता है तो मैंने स्क्वायर में ही इसको काटा हुआ है। तो देखिए इतना अच्छा से ये सॉफ्ट बना हुआ है कि काटने में भी बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। अंदर से बहुत ही ज़्यादा जूसी और बिल्कुल सॉफ्ट बना हुआ है और ज़रा सा भी टाइट नहीं है। ऊपर से बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। कोई नहीं कहेगा आपको कि ये 2 रोटी और 10 रुपये का ओरियो बिस्किट के साथ बना हुआ रेसिपी है। तो देखिए कितने महंगे स्वीट्स को भी इसने मात दे दिया है। तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और यकीन मानिए आपको ये पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको ये रेसिपी नहीं मिलेगी। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स पर कि कैसा बना है, ताकि मुझे अच्छा सा एक मोटिवेशनल मिल जाए सपोर्ट।
तो ये देखिए मैं आपको एक दिखाती हूँ और खा के भी बताऊँगी कि कैसा बना हुआ है। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना हुआ है और देखने में भी लग रहा है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। तो मैंने तो इसे खा के देख लिया, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है, बहुत ही ज़्यादा यमी है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से दिखता है ये, आप देख सकते हैं कलर हो गया इसका, टेक्स्चर हो गया, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो आई होप आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो अच्छे सी ब्लॉग के साथ या फिर रेसिपी के साथ, तब तक के लिए आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार, बाय बाय एंड टेक केयर।